नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें। दोस्तों, हमारी वीडियो जिसमें टाइगुलिसी पर बहुत बड़ी चेतावनी दी गई थी, वो देखकर कुछ लोगों ने हमें कमेंट किए, तो मैं उसमें कमेंट पढ़ रहा था। तो एक कमेंट था नूरजहां खातून जी का, वो लिखते हैं, भाई अगर तुम्हारी बात सही है तो ये दवाई जल्द पूरे बिहार में प्रचार करवा दो ताकि डॉक्टर भी विश्वास करे। जल्दी करो भाई, हम लोग की तकलीफ समझो भाई। तो दोस्तों, इनकी बातों से साफ पता लगता है कि ये बहुत परेशानी में है और इस दवा की बहुत कहते हैं बैडली आवश्यकता है, बहुत बुरी तरह आवश्यकता है इन्हें। ये ऐसी कहानी सिर्फ एक इनकी नहीं है, बहुत लोगों की है, सबको दांतों की तकलीफ से राहत पानी है और ये दवा चाहिए। पर दोस्तों, आपने कभी गौर किया आपकी ये तकलीफ हुई क्यों, क्यों ये ऐसे दिक्कत हो रही है, क्यों दांतों में तकलीफ बढ़ रही है? इसका कारण कोई दूसरा नहीं है, हम हैं, हमारी गंदी आदतें हैं, हमने खुद ही अपने दांतों को ख़राब किया है। दोस्तों, कुछ कंपनियों ने अपनी ऐसी मोनोपोली चलाई, अपने ऐसे विज्ञापन दिए कि हम स्वतः ही अपने जो बेसिक दंत मंजन के साधन थे उनसे दूर होते चले गए। हमें लगने लगा कि ये ओल्ड फैशन की तरफ हम जा रहे हैं, हमें ब्रश अपनाना चाहिए जिससे कि हमारे दांत बस जैसे हीरो के दिख रहे हैं ना, जो एडवर्टाइज में दिख रहे हैं वैसे हो जाए। पर इस दौड़ में हम अपने दांतों का नुकसान कर बैठे। पहले जब हाथ में दंत मंजन लेकर उंगलियों से घिसा करते थे ना, तो मसूड़ों को राहत मिलती थी, मसूड़े और स्वस्थ होते थे, उन्हें एक्यूपंक्चर मिलता था, और जो मसूड़ों से होकर आँखों की जो नसें जा रही होती है ना, उनमें भी राहत मिलती थी, वो एक्टिवेट हो जाती थी, और जिससे आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ती थी, कम नहीं होती थी। और अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रश लेते हैं और ब्रश से दांतों को घिसते हैं। आपने देखा होगा कि जब ऐसे घिसते हैं ना, बहुत से लोगों के दांत बीच में से कर्व जैसे हो जाते हैं। तो सोचिए, जब इतने हार्ड चीज़ को ब्रश ने घिसकर ऐसे कर्व जैसे शेप में ला दिया, तो आपके मसूड़ों को क्या हालत होती होगी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो टाइगुलिसी दवा वो दांतों की रक्षा करेगी, मसूड़ों की नहीं। मसूड़ों के लिए आपको खुद करना पड़ेगा। अगर मसूड़ा आपका सही नहीं है ना, तो टाइगुलिसी खाकर जो दांत आएगा वो भी रुक नहीं पाएगा, वो जड़ से टूट जाएगा, और एक बार दांत टूटने के बाद दो एक साल तो कम से कम लगेंगे दोबारा वैसा दांत आने में, अगर टाइगुलिसी जैसे कहे गए हैं उसके अनुसार कार्य करती है। तब भी तब तक आप क्या करेंगे, क्या खाना नहीं खाएंगे? तो दोस्तों, अभी से आपको अपनी खुद की रक्षा करनी है, लोगों के दिखावे में मत आना है, टूथब्रश का इस्तेमाल कम से कम करना है, आपको अपने जो हाथों से मंजन होते हैं ना, वो वाले मंजन की तरफ वापस लौटना है। अगर आपको ये लगता है कि दो दांतों के बीच जो ज्वाइंट बनता है वहाँ सही से साफ नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे में दातून का सहारा ले सकते हैं। दातून बहुत बढ़िया तरीके से आपके दांतों के ज्वाइंटों को भी क्लीन कर देगी, बिल्कुल चमका देगी, साथ ही साथ दातून के जो स्पेशल गुण हैं उनका फ़ायदा भी आपके मुँह को मिल जाएगा और दांत आपके मजबूत बन जाएंगे। अगर आपको लगता है कि भाई ब्रश के बिना काम नहीं चलेगा, तो आप ब्रश कर सकते हैं, पर कम से कम ज़्यादातर आपको उंगली से मंजन लेकर दांतों की मसाज करनी है, दांतों को मंजन करना है, फिर देखो आपके दांत कैसे मजबूत होते हैं। और इसके बावजूद अगर आपको फिर भी लगता है कि यार दांतों के जॉइंट तो क्लीन हुए नहीं, तो घर में धागा तो रहता ही है, धागा लेकर दांतों के जॉइंट के बीच घुमाइए और देखिए कितना मलबा जो दांतों के जॉइंट के बीच, ब्रश भी जहां पहुंच नहीं पाते वहां से ये धागा निकाल के आ जाएगा। धागा हर घर में अवेलेबल हो जाता है, बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, बहुत काम की चीज़ है। आजकल जो टूथपेस्ट चल रहे हैं, मैं अगली वीडियो में आपको विद सबूत दिखाऊंगा कि ये कितने जहरीले हैं, हमारे लिए कितने नुकसानदायक है, बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर ऐसी है जो बैन हो चुकी पर हमें झाग उठाने के लिए दिए जा रहे हैं, और हम विज्ञापन में देख के ना वैसे ही झाग उठाए जा रहे हैं और सोच रहे हैं हमने दांतों पर महान कल्याण कर दिया, हमारे दांत तो बस लोहे जैसे हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होगा, दांत हमारे पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, और फिर हमें ऐसी दवाइयों की तरफ उन्मुख होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बस टाइगुलिसी को बेसब्री से इंतजार करना पड़ेगा। आज हम जिस तरह से टाइगुलिसी नाम की दवा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ना, ठीक वैसे ही फिर कोई ऐसी नई दवा लेके आएंगे वो, जो कि हमारे मसूड़ों के लिए वरदान साबित हो।
पर भाई हमें उस हालत तक मसूड़ों को पहुंचने ही क्यों देना है। आप टूथब्रश की जगह हाँ उंगली पर मंजन लेकर कीजिए, देखना आपके दांत कितने अच्छे मजबूत रहेंगे, मसूड़े स्वस्थ रहेंगे। और जब आपके मसूड़े स्वस्थ रहेंगे ना तो आपकी आंखों पर भी इसका अच्छा इफेक्ट आएगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। उन पर जब आप मसाज करते हैं भाई, उंगली से जब दंत मंजन करेंगे ना तो मसाज होगी। कितने साल बीत गए होंगे आपने मसूड़ों को मसाज नहीं किया होगा, बस उन्हें दर्द दिया होगा। आप देखो जब टूथ ब्रश दांत को घिस देता है तो मसूड़ों की क्या दुर्गति होती होगी जब वो ब्रश मसूड़ों पर घूमता होगा। बस हम तो किए जा रहे हैं, अगर आप मसूड़ों को उंगली से मंजन करेंगे तो मसाज भी होगा, और मसाज होने से एक्यूपंक्चर होने से वो तत्व भी एक्टिवेट हो जाते हैं जो आपके लिए बेस्ट एंजाइम प्रोडक्ट करते हैं, मतलब मुंह के अंदर बेस्ट एंजाइम बनाते हैं जिससे आपके भोजन की और कब्ज की या फिर भोजन भूख ना लगना या बहुत सारी समस्या, भोजन का पाचन ना होना, उन समस्या से भी देखेंगे कि धीरे धीरे राहत मिलेगी। आप देखते होंगे पहले जो बुजुर्ग होते थे आज भी उनका भोजन हमारे से ज़्यादा होगा, कारण यही है कि वो हाथ से उंगली से मंजन किया करते थे, ब्रश का बहुत कम इस्तेमाल करते थे। और भी बहुत सारी बातें हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है तो मैं अगली वीडियो में इसके विषय में भी बात करूँगा कि कौन सा टूथपेस्ट लेना चाहिए, कैसे मंजन करना चाहिए, टूथब्रश भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें टूथपेस्ट कितना लेना चाहिए, कुछ लोग तो भर भर के लेते हैं। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।